बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर का पुलाव, और ये हम 8 से 10 लोगों के लिए तकरीबन खाना बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले अपना मटर को छील लेते हैं, माशाल्लाह से सर्दी का टाइम है, हल्की हल्की सी सर्दी आ गई है, और अब है कि सब्जियां बड़ी फ्रेश हो रही हैं। चलें शुरू करते हैं। पहले ऑयल डाल लेते हैं अपना, लाल होता है, इतने डाल लेते हैं इसमें। जब तक प्याज लाल होती है, तो ये हमने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, तो इसमें हम थोड़ा अदरक लहसुन शामिल कर देते हैं। और बाकी जो मिर्च वगैरह हमें डालनी है, हम वो भी इसी में डाल देते हैं। मैंने हरी मिर्चें भी पीसी हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कम डाली है। और इसमें हम अपना नमक डाल देते हैं। और ये मैंने 2 चाइनीज सॉल्ट के पैकेट लिए हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। चलो मसाला तो हमारा हो गया है कंप्लीट।
तो हम अपनी प्याज को देख लेते हैं। प्याज हमारी होने वाली है माशाल्लाह। प्याज हमारी तकरीबन हो गई है, तो अब इसमें हम इतने मसाले डाल देंगे। इस सारे मसाले में इसमें डाल दूंगा। और इसके साथ ही इसमें मटर डाल दूंगी ताकि ये अच्छी में गल जाए। चलिए गल जाती है, उसके बाद हम चावल वगैरह डालेंगे इसमें। तब तक हमने चावल धो के भिगो दिए हैं और थोड़ा सा पानी इसमें करके इसमें हम और डाल देते हैं। और जब तक हम अपनी चटनी पीस लेते हैं। चलिए सालन हमारा भुन गया है, तो अब हम इसमें अपना चावल डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से मटर भी गल गए हैं हमारे, तो अब हम राइस अपने डाल देते हैं। सारे चावल साफ करके इसमें डाल दें। अब इस फ्लेम पे हम इसको थोड़ा, तो चले हम चावल को अपने देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें चावल हमारे तकरीबन हो गए हैं, तो अब इसे हम दम लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तेज गर्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये पुदीना है, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि हमारे चावलों में बहुत अच्छे से खुशबू आए। चलो इसको हम दम लगा देते हैं।
ये देखें जी, हमने अपनी चटनी तो बिल्कुल पीस ली है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। हम अपने राइस देख लेते हैं। माशाल्लाह जी, मेरे ख्याल से चावल तो है हमारे बिल्कुल कंफर्म दम हो गए हैं। अब ये खाने के लिए रेडी है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, सबको खाना देते हैं। तो चलें निकालते हैं अपना खाना। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं चावल हमारे। तो जिस जिसको मटर का पुलाव खाना है तो वो अपनी आपी के साथ आके ज़रूर खाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाला है। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मेरा, कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। और आप और भी कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो अपनी आप ही को ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।